दोस्तों आप वीडियो का टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। क्या जूनियर एनटीआर की ये जो मूवी है देवड़ा, ये स्कैम कर रही है या फिर जूनियर एनटीआर खुद स्कैम कर रही है इस मूवी के थ्रू, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं आज का डे टू का यानी कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है। जैसा कि मैंने सुबह सुबह प्रेडिक्शन लगाया था, इस मूवी का कलेक्शन 77 करोड़ होगा या उससे ज़्यादा हो चुका है, आज देखेंगे। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेट वन में जो कलेक्शन हुआ था देवड़ा का, उसी के बाद से ये फैलाया जा रहा था कि देवड़ा मूवी का जो कलेक्शन है वो स्कैम बताया जा रहा है। सेम ऐसा कल्की के टाइम में भी हुआ था, और कल्की जहाँ 250 करोड़ का ओपनिंग लेती, वहाँ पे मूवी का थोड़ा सा मूवी गिर गई नीचे, क्योंकि इसे नेगेटिव रिव्यू मिला था। कुछ लोग बॉलीवुड के जो थे वो नेगेटिव रिव्यू दिवा रहे थे यूट्यूबर से, वैसा ही कुछ इससे रिलेटेड किया गया, क्योंकि बॉलीवुड की मूवी तो चल नहीं रही है और तेलुगु की मूवी जो है साउथ इंडस्ट्री की वो मूवी बहुत ज़्यादा चल रही है। आज 2024 में देखिए तेलुगु इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई है। तो इसी के देखते हुए इस मूवी का झूठा हवा फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो इसका कलेक्शन बताया जा रहा है वही है। मूवी में थोड़ा मोड़ा जो मूवी एक्सपेक्टेशन जो किए थे हम लोग उससे कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि मूवी का कलेक्शन फेक है, मूवी का कलेक्शन ठीक है। और मैंने आज के इस वीडियो में बताया आपको कि डे टू का मैंने सुबह सुबह आपको प्रिडिक्शन लगाया था 77 करोड़ का मूवी कलेक्शन करेगी, लेकिन आपको मैं बता दूँ आज यानी कि डे टू में मूवी का जो कलेक्शन हुआ 89 करोड़ 69 लाख का टोटल कलेक्शन हुआ है मूवी का। अभी पूरा तरह से लैंग्वेज वाइज नहीं है, बट आई डिवाइड हुआ है। जैसे ही आता है इसका वीडियो अपडेट तो मैं आपको स्वयं वीडियो बना के अपडेट जरूर दूंगा। और डे वन में आपको पता है 82 करोड़ हुआ था इसका कलेक्शन, और आज थोड़ा इससे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन है, कल भी इसका ज़्यादा कलेक्शन होने वाला है। टोटल इसका डे वन से लेकर डे टू तक के बीच में 171 करोड़ 74 लाख का कलेक्शन हो चुका है देवड़ा का। मैं आपको बता दूं डे टू का इवनिंग जो ऑक्यूपेंसी इस मूवी का 69.52% तेलुगु 2D का, आफ्टरनून 65.20% तेलुगु 2D का, AP एंड TS का टोटल कलेक्शन हुआ 8.15, मतलब 8 करोड़ 15 लाख कलेक्शन हुआ है। 58% का ऑक्यूपेंसी इस मूवी का, और ये शाम 5 बजे तक का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। तमिलनाडु में इसका जो कलेक्शन हुआ है ये 68 लाख हुआ है, और टोटल 28% का ऑक्यूपेंसी है इस मूवी का। केरला का 1 लाख कलेक्शन हुआ, 11% का ऑक्यूपेंसी है। नॉर्थ तेलुगु में 4 लाख का कलेक्शन हुआ, टोटल 18% का ऑक्यूपेंसी है। और सेम आंध्र प्रदेश में 3 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन हुआ, जिसमें 15% का ऑक्यूपेंसी है। और बुक माई शो पे इसका जो टिकट बुक हुआ है पिछले 1 घंटे में वो 35,000 टिकट बुक हुआ है पिछले 1 घंटे में, और 8.3% का इस मूवी का रेटिंग है, 8.3% का मूवी का रेटिंग है। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो बुक माई शो का जो अभी मूवी का टिकट बुक हुआ है 35,000, ये कलेक्शन में ये बटेगा, और ये ऑफिशियली डाटा पूरा आएगा रात 11 बजे के बीच में, और सुबह मैं आपको बताऊंगा टोटल इसका कितना डे वन का कलेक्शन हुआ है, क्योंकि अभी डाटा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है ऐसा माना जा रहा है। लेकिन देखते हैं फाइनली डाटा क्या आता है, सुबह में आपको मैं जरूर अपडेट दूंगा। फिलहाल आप बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, मूवी देखे तो आपके माइंड में भी है कि जूनियर एनटीआर की ये मूवी स्कैम कर रहे हैं या फिर जूनियर एनटीआर खुद स्कैम कर रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। आपने अगर मूवी देखा तो बताइएगा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, अगर नहीं देखा देखने जा रहे हैं तो ये बताइएगा कि कब देखने जा रहे हैं। आज के इतना ही, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में कुछ पार्ट नहीं अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट वीडियो में अच्छा नहीं लगा। आज के इतना ही, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।